आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which of the following activities will lead to both air and water pollution? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एक्टिविटीज जो है वो एयर और वाटर पॉल्यूशन दोनों को ही यहाँ पे डिनोट करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट है जहाँ पे बोला गया है यूज ऑफ मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर इन अ क्रॉप फील्ड। और ये दोनों जो कि मैन्योर होता है और बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं इन नेचर, जिससे कि कोई हार्म यहाँ पे नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है यूज ऑफ कूलिंग डिवाइसेस लाइक एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स, जिससे कि हमारा क्या होता है कि वाटर खराब नहीं होता है या फिर वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, इंस्टेड एयर पोल्यूशन जो है वो यहाँ पे पाया जा सकता है। नेक्स्ट में बोला गया है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज ऑफ फ्यूल्स ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो बेसिकली अगर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं तो जो फॉसिल फ्यूल्स होता है जैसे कि CO2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे जो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, तो ऐसे जो गैसेस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से निकलते हैं। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और बाकी। और ये सब जब बर्न होते हैं तो ऐसे पॉइजनस गैसेस हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं और साथ ही साथ इनका पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है एसिड रेन को। और एसिड रेन जो है ये जब वाटर में जाता है तो वाटर के जो एक्वाटिक लाइफ होते हैं उस एक्वाटिक लाइफ में भी बहुत ज्यादा हार्म होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बोथ आर इफेक्टेड, जो कि वाटर और हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, और उसी को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।